अब आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से होती है भगवान श्री कृष्ण लोक की नाच चिन्यारी नागराज की दुधनौण। अभी हम लोग जाएंगे फिर ऊपर पेड़ रखे, फिर पेड़ भी लगाने। जय श्री नागराज, वेलकम बैक टू अन्य एपिसोड। दिस इज हर्षवर्धन सिंह बेस। फिर से एक नए ब्लॉग में तुम सबका बहुत बहुत स्वागत है यार। आज सावन के महीने का पहला संडे है। इस संडे को पूरे उत्तराखंड में एक नई उमंग आ जाती है, क्योंकि ये मतलब एक अंधेरे महीने का शुरुआत होती है, जिसमें बारिश ही बारिश चौमासा लग जाता है। हालांकि उतना अब इतना होता नहीं है उत्तराखंड में इतनी बारिशें, अलग अलग रीज़न में हालांकि बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सावन का पहला संडे और आज हमारे गांव में भगवान श्री कृष्ण नागराज की दूध नहोड़ है। तो हम लोग अभी दूध नहोड़ में जा रहे हैं, जिसमें भगवान नागराज के पशु दूध से स्नान करते हैं, दूध का नहोड़ लेते हैं। तो हम सब लोग मंदिर में इकट्ठे हो रहे हैं। अब आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से होती है भगवान श्री कृष्ण लोक की नाच चिन्यारी नागराज की दूध नहोड़। तो अब चलते हैं भगवान नागराज के मंदिर की ओर। लोगों ने दूध ले जा दिया, पूरा गांव वहाँ पे इकट्ठा हो गया है। घर से भी पिताजी माजी दादी सब चले गए, हम लोग थोड़ा लेट है। तो मैं दिखाता हूँ भगवान नागराज की प्राचीन दूध नहाओ। Thank you.
यार भगवान नागराज की दूध स्नान हो चुकी है सुबह से, बिल्कुल भी वीडियोस नहीं, मतलब व्लॉग नहीं बना पाए। वीडियोस बना रखे तुमने पूरी व्लॉग, मतलब भगवान नागराज की दूध नॉन वीडियोस में देख ली होगी। अभी हम लोग मतलब जितने भी यंग जनरेशन है कुछ खेलने जा रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग बचे हुए हम लोग नागराज धर के प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि आज जो 3D पेंटिंग बनाने वाले जो मतलब एक आर्टिस्ट है उड़ीसा के, तो वो यहाँ पे मतलब विजिट कर रहे, तो नागराज समिति वैसे भी संडे को वहाँ विजिट करती है, तो हम लोग भी जा रहे हैं। दूध स्नान का दिन है और आज मतलब कल रात भयंकर बारिश हुई ना, तो आज पेड़ भी लगा रहे हैं वहाँ पे। होना नहीं कुछ नहीं करना है, गाड़ी चलाते हुए देखिए उठा ही नहीं पा रहा।
यार हम लोग नागराजार के लिए अब चलने लग गए हैं। अभी हम लोग जाएंगे फिर ऊपर पेड़ रखे, फिर पेड़ भी लगाने हैं। यार ऊपर पे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अला अंदर ले। मुझे मत सिखा बच्चे, देर से 2 साल पहले गा रहा हूँ धरती पे। हम सोच रहे बैंक ऊपर खाना पीछे करेगा तो बाबा काट देते ना तो कट जाएगी। ये और तन्नी बहन, तन्नी से मत कर मुझे कंपेयर, तन्नी जैसे नूबड़े से तो मत ही। बेटा तेरे से ज्यादा प्रो मैं, तू उधर ना ले जा रहा गाड़ी। अरे यार पत्थर देख रहा हूं वहां पे, पत्थर से क्या फर्क पड़ रहा है तेरी गाड़ी को। तो गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोगों ने पेड़ ले लिए, दो दो पेड़ हमने ले लिए। आ गया के चल रहा। अच्छा तेरी लेस बांधो, आप इसे पकड़ थोड़ा नीचे रख देना पेड़ है वो, तो लेस बांधोगी इसकी। अब यहाँ से हम लोग मस्त मस्त पेड़ लेके आगे चल रहे हैं। ये पेड़ ऊपर लगाने बहुत ही बढ़िया पेड़ है भाई ये। अभी तो मैं ऊपर दिखाता हूँ कौन से पेड़ है। ये वाले तुमने देखे होंगे बड़े होके बहुत ही प्यारे जाते हैं। आम और लीची समझने की गलती मत करना इन्हें। चारों तरफ हरा भरा हो रखा है भाई आजकल बारिश से। अभी तो लिमिटेड लोग आए, अभी बहुत लोगों ने ऊपर आने, दादाजी कह रहे कि एक चाशन बात खप जाएगी। हाँ जी तुम्हें लग रहा होगा यार कि अभी तो हम बहंगा मंदिर जा रहे थे, अभी एकदम जैसे कैसे हो गया नीचे जा रहा हूँ वापस। एकदम नहीं भाई, शाम के 5:30 बज चुके हैं। जैसे ही मंदिर गए इतने पेड़ थे, उनके गड्ढे बनाना, उनका मतलब उनको पेड़ों को लगाना, फिर मूर्ति वाले आ रखे थे उनके साथ, मतलब समिति की मतलब सीनियर्स लोग जो हैं लोग, इन लोगों की मीटिंग थी बहुत टाइम का। सही बता रहा हूँ माँ कसम यार, भगवान की कसम, बिल्कुल लोग ही बना सकते थे भाई, इतना काम था मतलब मंदिर में बेसिकली। और लोग भी बहुत आ रखे थे, फिर खाना पीना खाया, फिर जो मूर्ति वाले पहुँचे थे और 3D पेंटिंग्स वाले, उनके साथ मतलब मीटिंग थी, तो बिल्कुल भी सही बता रहा हूँ, ब्लॉग नहीं बना पाया। तो अभी नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी को नीचे घर पे जाना है, तो गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, पिताजी क्योंकि ऊपर ही है तो बोल रहे हैं कि मम्मी को छोड़ के आ जाएगी, तो माँ जी को छोड़ने नीचे जा रहा हूँ। और इस ब्लॉग को इसी के साथ इन हसीन वादियों में यहीं पर करते हैं। जय श्री कृष्ण तेलोगीनाथ नागराजा। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, नाचते रहिए और अपने इस कल्चर को, इस अनोखे उत्तराखंड के इस परंपरा को बढ़ाते रहिए। जय श्री नागराजा।